2014 के बाद से भारतीय रेल ने नई लाइन बिछाने से लेकर गेज परिवर्तन और दोहरीकरण कार्यों को दोगुनी तेजी से पूरा किया है। इस बीच चार धाम रेल लिंक जैसी कई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की भी शुरुआत की गई है, लेकिन इन सभी कार्यों के लिए साइट सर्वेक्षण और मानचित्रण एक जटिल और लंबा समय लेने वाली प्रक्रिया है। इस समस्या को दूर करने के लिए रेलवे बोर्ड ने सर्वेक्षण कार्य में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल का अध्ययन और मूल्यांकन करने के लिए एक कमेटी का गठन किया, जिसने भारत और विदेशों में इन कार्यों के लिए इस्तेमाल की जा रही विभिन्न तकनीकों का तुलनात्मक अध्ययन कर साल 2020 में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी, जिनमें परियोजना आधार पर बेहतर तकनीकी विकल्प चुनने के सुझाव दिए गए हैं। साइट सर्वेक्षणों और मानचित्रण के लिए पारंपरिक सर्वेक्षण तकनीक और सैटेलाइट इमेजरी के अलावा ड्रोन फोटोग्रामेट्री, कंप्यूटराइज्ड 3D इमेजरी, DGPS और LiDAR जैसी अत्याधुनिक तकनीकें इस्तेमाल की जा सकती हैं। इनमें डिजिटल भूस्थानिक डेटा पहले चरण में ही सर्वेक्षण कार्य को काफी आसान कर सकता है। भारतीय रेल अपनी आगामी परियोजनाओं के लिए अब इन नवीन और ज्यादा सटीक सर्वेक्षण तकनीकों के इस्तेमाल पर जोर दे रही है, जिससे परियोजनाओं को पूरा करने में और ज्यादा तेजी आएगी। इससे न सिर्फ लंबित रेल परियोजनाओं को जल्दी पूरा किया जा सकेगा, बल्कि लागत में भी काफी कमी आएगी। नवीन तकनीक द्वारा भारत सरकार की संपूर्ण भारत को रेल नेटवर्क पर लाने की योजना साकार होगी। अब अत्याधुनिक सर्वेक्षण तकनीक की मदद से ज्यादा तेजी से दौड़ेगी भारतीय रेल।